जो जस्टिस मुरलीधर ने जिन्होंने बोला कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनका रातों रात तबादला हो जाता है। इनके खिलाफ अभी तक FIR नहीं हुई, ये घूम रहे हैं। कल यंग इंडिया का मार्च था, आज हमारी जनसभा में लोग आना चाह रहे थे तो पुलिस वाले घूम घूम के धमका रहे हैं कि नहीं जाना है। ये तो वही है कि 100 चूहे खा के अब बिजली हज को चलिए, इस पर क्या कहा जाए। मतलब नौटंकीबाज सरकार है ये। शाहीन बाग से लेकर पूरे हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे औरतों ने दिखाया कि अब उन्हें वर्दी से, अब हमें उन्हें मतलब पुलिस की फ़ौज से डर नहीं लगता, और वो सड़कों पर उतर रही हैं, और आने वाले दिनों में भी ये होगा। जबकि सच्चाई ये है कि ये ना सिर्फ मुसलमान विरोधी है, ये गरीब विरोधी, दलित विरोधी, स्त्री विरोधी कानून है, और इसकी मुखालफत हर ऐसे इंसान को करनी चाहिए जो कि चांदी का चम्मच मुंह में लेकर नहीं पैदा हुआ। मैम, अभी आप दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और आप लोग जन सत्याग्रह का ये आप लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? जन सत्याग्रह पद यात्रा हम लोगों ने 16 फरवरी से शुरू की थी दिल्ली में नरेला में, और 16 फरवरी से मतलब कल तक के दिन में हम लोगों ने 300 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा तय की और 200 से ज़्यादा जनसभाएँ की। जो हमारी यात्रा का सेंट्रल स्लोगन था या जो संदेश था वो ये था कि हमें CAA नहीं चाहिए, हमें कोई नागरिकता संशोधन कानून नहीं चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून चाहिए, हमें रोजगार गारंटी का कानून चाहिए, हमें NRC नहीं चाहिए, कोई सिटीजन्स का रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार को इस वक्त अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार हैं उनका रजिस्टर बनाने की ज़रूरत है, और हर मजहब का जो बेरोजगार है उसको पक्की नौकरी दें। इन बातों के साथ हम लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए और हम लोगों ने तमाम मजहबों के, संप्रदायों के जो आम लोग हैं उनके बीच में जो CAA NRC का असली सच है वो लेकर गए, क्योंकि मीडिया हो, RSS का प्रचार तंत्र हो, या जो सरकारी WhatsApp ग्रुप्स चलते हैं, ये सब तो नहीं बता रहे हैं कि क्या सच्चाई है। जबकि सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान के एक राज्य में जहां NRC लागू हुआ, असम, वहां पर आखिरी लिस्ट में जो 19 लाख लोग बाहर हुए उसमें 4.5 लाख मुसलमान थे, बाकी तो गैर मुसलमान थे, हिंदू थे। तो ये सरकार नहीं बता रही, और जानबूझ के पूरे एंटी CAA NRC प्रोटेस्ट को एक ख़ास मजहब के साथ जोड़ने का काम कर रही है ताकि इसको फिर से एक हिंदू मुसलमान का रूप दिया जाए। जबकि सच्चाई ये है कि ये ना सिर्फ मुसलमान विरोधी है, ये गरीब विरोधी, दलित विरोधी, स्त्री विरोधी कानून है, और इसकी मुखालफत हर ऐसे इंसान को करनी चाहिए जो कि चांदी का चम्मच मुँह में लेकर नहीं पैदा हुआ। मैम, आप एक तरफ आप CAA NRC का विरोध कर रहे हैं, हम देख सकते हैं कि शाहीन बाग के बाद जब दूसरा जफराबाद में जब कुछ महिलाओं ने CAA के विरोध में धरना प्रदर्शन करना शुरू किया तो इनके विधायक कपिल मिश्रा जी जाते हैं और वो इस भड़काऊ बयान को करते हैं वहाँ पे, उसको लेकर के जो हिंसा दिल्ली में फैलती है उसको किस नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं? देखिए, BJP RSS तो लंबे समय से एक मौका तलाश रहे थे जब से anti-CAA NRC प्रोटेस्ट शुरू हुए, वो मौका उनको मिल गया, और उन्होंने जो है कपिल मिश्रा, हालांकि उनके विधायक नहीं, वो तो हारे हुए विधायक है, मतलब जीता भी नहीं है वो व्यक्ति, एक हारा हुआ विधायक जो है वहाँ पर भड़काऊ भाषण देता है, और पूरा प्लानिंग के साथ देखिए ये हुआ था, जो हिंसा हुई, जो हमला हुआ वो प्लान्ड था, उसके बाद जो पूरे दंगे भड़काए गए पूरा मैन्युफैक्चर्ड था, और जैसा कि हर दंगा होता है, दंगे स्पॉन्टेनियसली नहीं होते हैं, वो तो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और उसके बाद दंगाइयों ने घुसकर जो कत्लेआम मचाया पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों उसका शिकार हुए, घर जलाए गए और लाशों पर एक तरीके से पूरी पॉलिटिक्स खेली गई। हम जानते हैं कि सरकार जो है लंबे समय से ये मौका ढूंढ रही थी, और इसके ज़रिए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो तमाम प्रोटेस्ट चल रहे थे उनको ख़त्म किया। खुरेजी का प्रोटेस्ट हो, खुरेजी के ऑर्गेनाइजर्स को जुडिशल कस्टडी में भेजा गया, जाफराबाद का प्रोटेस्ट हो, चांदबाग का प्रोटेस्ट, तो उनको ख़त्म करवाया गया। तो सरकार की तो ये मंशा है ही कि ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक हद तक डर काम करता है, लेकिन उसके बाद लोग डरना भी बंद कर देते हैं, और शाहीन बाग से लेकर पूरे हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे औरतों ने दिखाया कि अब उन्हें वर्दी से, अब हमें उन्हें मतलब पुलिस की फ़ौज से डर नहीं लगता, और वो सड़कों पर उतर रही हैं, और आने वाले दिनों में भी ये होगा। मैम, कपिल मिश्रा ये कहते हैं कि उनको मारने की धमकी मिल रही है, इसलिए सरकार ने उनकी बाईप्लस की सिक्योरिटी बढ़ा दी है, दे दी उनको, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अब उनको तो कौन मारने की धमकी देगा, जो लोगों को मारता हुआ घूम रहा है, जो खुद मतलब कुख्यात दंगाई है, इससे ये भी पता चलता है कि सरकार किसके साथ है ना। सरकार
और मैं इसमें सिर्फ कपिल मिश्रा को दोषी नहीं ठहराऊंगी, जो इनके कमांडर्स इन चीफ हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यही तो असली है ना, जो पूरा दंगा खड़ा किया गया वो तो इनके कमांडर्स इन चीफ तो ये हैं, उसमें कपिल मिश्रा एक मुखौटा है। तो कपिल मिश्रा को जेड प्लस सिक्योरिटी भी मिल जाएगी एक दिन, बड़ी बात नहीं। अब ताज्जुब करना भी इसमें क्या किया जाए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से बहुत सारी चीज़ें साफ होती है। जो जस्टिस मुरलीधर ने, जिन्होंने बोला कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनका रातों रात तबादला हो जाता है। इनके खिलाफ अभी तक FIR नहीं हुई, ये घूम रहे हैं। कल यंग इंडिया का मार्च था, आज हमारी जनसभा में लोग आना चाह रहे थे तो पुलिस वाले घूम घूम के धमका रहे हैं कि नहीं जाना है, जनसभा में नहीं जाना है। कल के प्रोटेस्ट में डिटेन किया गया इन जनाब ने, जिन्होंने दंगे भड़काए, उसके बाद इन्होंने 30 मार्च तथाकथित एक 30 मार्च निकाला, इनको किसने परमिशन दी? जब कल की रैली की परमिशन नई लोगों को दी जा रही है, जब आज लोगों को जनसभा में आने से रोका जा रहा है, तो कल इनको 30 मार्च निकालने के लिए दुख जता रही है, कह रहे हैं कि इस बार को होली नहीं मनाने वाले हैं क्योंकि दिल्ली हिंसा में बहुत लोगों की जाने चली गई हैं, तो वो होली नहीं मनाने वाले, बहुत दुख जता रहे हैं। ये तो वही है कि 100 चूहे खा के अब बिजली हज को चलिए, इस पर क्या कहा जाए? मतलब नौटंकीबाज सरकार है ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये इनकी इस वक्त, अगर, और मैं इसमें दिल्ली सरकार से भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर दिल्ली सरकार वाकई में एक जनपक्षधर सरकार है और वो दिल्ली की आवाम की हिफाजत करना चाहती है, तो उसको तुरंत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR करवानी चाहिए और इसको अंदर करवाना चाहिए। और दूसरी बात कि भाई 62 विधायक भी हैं दिल्ली में केजरीवाल सरकार के पास, क्यों नहीं केजरीवाल सरकार NTCA NRC रेजोल्यूशन पारित करती है? राजघाट पर आप शांति के लाख संदेश दे दें, जहां पर दंगे भड़काए जा रहे थे, जहां हिंसा और हमले हो रहे थे, वहां से आपके सारे विधायक नदारद थे। आपका एक अल्पसंख्यक जो MLC, जिस कल खुद पुलिस ने बोला कि जो ताहिर हुसैन है, उन पे दंगाई हमला कर रहे थे और उन्होंने हेल्प की गुहार लगाई थी, उन्होंने बिना जांच के इनकी पार्टी ने एक अल्पसंख्यक काउंसिलर को जो है सस्पेंड कर दिया। तो जो अपने पार्टी में अल्पसंख्यकों की देख रेख नहीं कर सकते, वो दिल्ली में क्या करेंगे? तो ये इस हम्माम में देखिए सब नंगे, चाहे वो केंद्र सर, अभी तो कन्हैया कुमार के ऊपर राजद्रोह का मामला दर्ज कराया है। तो आपने बस मेरी बात में बिल्कुल ये छूट गया था, पहले तो इतने साल तक बैठे रहे उस रिपोर्ट पर और अब उन्होंने अपने असली रंग दिखला दिए, जबकि हम जानते हैं कि सेडिशन जैसा काला कानून, जिसकी किसी भी सही मायने में अगर कोई जनवादी मुल्क है वहाँ पर जगह नहीं होनी चाहिए, ये काला कानून है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन आप जो है सैंक्शन कर रहे हैं, और ये तो साफ है कि देखिए इस पूरे, खास तौर पे जब CA NRC के प्रोटेस्ट चले, केजरीवाल जी ने एक भी बयान नहीं दिया, केजरीवाल जी किसी प्रोटेस्ट साइट पर नहीं गए, और उसके बाद जब 23 फरवरी से हिंसा हमले और दंगों का पूरा माहौल बनाया गया, तब भी इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो सच बात है, एकदम नंगे हैं। तो आप काला कानून कह रही हैं, वहाँ से काशी से नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि जो राष्ट्रहित के लिए कदम उठाए गए हैं उस कदम को पीछे नहीं लेंगे। जी, उसके लिए क्या कहना चाहिए? कौन से कदम की बात कर रहे थे? वो NRC CA राष्ट्रहित के लिए कदम, हाँ, इसमें सबसे पहला सवाल ये होता है राष्ट्र क्या है ना, हित क्या है। राष्ट्र से उनका बेसिकली मतलब है जो अंबानी अडानी और तमाम धन्ना सेठों अमीरजादों की जमातें हैं, उनकी हिफाजत और उनका हित। तो जाहिर तौर पे उनके लिए जो राष्ट्र है उसके हित में तो सेडिशन जैसा काला कानून भी लागू किया जा सकता है, उसके हित में पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे लाठी चार्ज किया जा सकता है, उसके हित में कहीं पर भी धारा 144 लगाई जा सकती है। तो आप समझ जाइए उनके बयान से कि उनके लिए राष्ट्र कुछ नहीं है, उनके लिए राष्ट्र अंबानी अडानी और पूंजीपतियों की जो पूरी सेवा करना है वो है। और उस सेवा में जब उन्होंने, आपको पता होगा कि पिछले एक महीने के भीतर इस सरकार ने तमाम सरकारी महकमे बेच डाले, इस सरकार ने BSNL MTNL से लेकर LIC तक बेच डाली, तो इनके लिए राष्ट्र तो कॉरपोरेट्स की सेवा करना है ना, तो उस राष्ट्रहित में इन्होंने काम किया ही है जाहिर तौर पर।